दोस्तों 2022 का यानी कि इस साल का सबसे ज्यादा अवेटेड फोन अगले महीने यानी कि जून के महीने में लॉन्च होने जा रहा है फाइनली। क्या आप गेस कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो आप गेस कर सकते हैं, बहुत से लोग गेस कर पाएंगे कौन सा फोन है वो। देखते रहिए वीडियो को, उस फोन की एक बहुत ही मजेदार डिटेल निकल कर आई है जिससे पर्सनली मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारे फोन है जो कि अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं, सभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आप गूगल का फोन लेना चाहते हैं तो गूगल पिक्सल 6a एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। 34,000 के अराउंड इसकी प्राइसिंग होने वाली है। डुअल कैमरा इस फोन के अंदर होने वाले हैं। अब इसके अंदर दो ही कैमरा है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये अच्छी फोटो नहीं लेगा। गूगल के फोन हमेशा से ही बेहतरीन फोटो लेते आए हैं और ये भी सेम वैसा ही होने वाला है। 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले होने वाली है इसके अंदर और गूगल की खुद की टेंसर चिप भी इसके अंदर होने वाली है और जून जाते जाते जून एंड में ये फोन लॉन्च होगा। अगला फोन है दोस्तों OnePlus Nord 2 का सक्सेसर प्लस नोड 2T, राजस्थानी भाषा में 2T को नल बोलते हैं। खैर जो भी है, डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर होने वाला है, 6.4 इंच का डिस्प्ले होने वाला है, अमोलेड डिस्प्ले होने वाला है और ये भी जून एंड में लॉन्च होगा। अप्रोक्स 30-31,000 इसकी प्राइस होगी और जून में चांसेस हैं कि सबसे पहला 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन भी लॉन्च हो जाए। Might be. ये फोन होने वाला है मोटो की तरफ से, मोटो एज 30 अल्ट्रा। अब अल्ट्रा नाम इसके आगे लग गया यानी कि ये एक फ्लैगशिप फोन होने वाला है तो इसके अंदर फ्लैगशिप ही प्रोसेसर होगा। स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर है, 6.67 इंच की डिस्प्ले है, पी ओलेड डिस्प्ले है ये 144 हर्ट्ज के साथ, ये भी सब कुछ फ्लैगशिप है। कैमरा मैंने आपको बता दिया अल्ट्रा फ्लैगशिप है और सबसे बड़ी तुक की बात ये फोन भी जून एंड में लॉन्च होने वाला है। जून एंड में कुछ है क्या ऐसा प्रोग्राम? नेक्स्ट वन इज रियलमी GT नियो 3T, नाम के लिए दो तालियां। हो सकता है इस फोन का एक स्पेशल एडिशन भी आ जाए, गोकू एडिशन, इसकी थोड़ी बहुत फोटोज लीक होकर आई है। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ ये आएगा, 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी होगी इसके अंदर और हो सकता है इस मोबाइल के अंदर 150 वोट की फास्ट चार्जिंग आई, ये सबसे आई कैचिंग चीज है इस मोबाइल की। और अगर ये नहीं भी आई तो 80 वोट की फास्ट चार्जिंग तो फिक्स है। थैंकफुली ये फोन जून एंड में लॉन्च नहीं होने वाला है, ये मिड जून में लॉन्च होगा। ओप्पो पर आते हैं और ओप्पो के दो फोन्स इस महीने लॉन्च होने वाले, अगले महीने। ओप्पो की सबसे पॉपुलर सीरीज रेनो सीरीज इस महीने लॉन्च होने वाली है, ओप्पो रेनो 8 अगले महीने लॉन्च होगा। अब जैसे कि वीवो की एक्स सीरीज बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं एक्स सीरीज के फोन, सेम वैसे ही ओप्पो की ये रेनो सीरीज बहुत ही क्रिएटिव चीजें लेकर आती है और पर्सनली मुझे भी रेनो सीरीज काफी पसंद है। बहुत ज्यादा डिटेल्स इस सीरीज के बारे में नहीं है लेकिन स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर पर आने वाला है या फिर इसी का कोई कंपटीटर प्रोसेसर होगा डायमेंसिटी का। बाकी बात करें इसके लॉन्च डेट की तो ये भी जून एंड में लॉन्च होगा। दूसरे फोन की बात करें तो वो है ओप्पो K10 5G, माइट बी ओप्पो K10 प्रो 5G या प्रो, इन दोनों में से एक नाम होगा लेकिन नाम से क्या लेना है, या तो स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर आ सकता है या फिर डायमेंसिटी का 8000 आ सकता है। 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है, एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है और थैंकफुली ये मिड जून में ही लॉन्च हो जाएगा। कुछ तो है मिड जून के लिए। पोको कंपनी के भी दो फोन लॉन्च होने वाले, सबसे पहला फोन है पोको F4 GT और ये है मिड रेंज गेमिंग फोन, बहुत अच्छी स्पेक्स है इसकी और बहुत ही अच्छा डिजाइन है, बहुत ही अच्छे फिजिकल बटन्स आपको इस फोन पर मिलते हैं। मिड रेंज में अगर आपको कोई गेमिंग फोन चाहिए, प्रॉपर गेमिंग फोन चाहिए, डायरेक्टली आप F4 पर जा सकते हैं या फिर F3 से पहले वाला था। इस फोन की स्पेक्स की बात करें तो काफी बड़ा फोन होने वाला है, 6.67 इंच का डिस्प्ले होने वाला है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 इसके अंदर प्रोसेसर होने वाला है, 4700 mAh की बैटरी आपको लगेगा स्लाइटली कम है लेकिन इसके साथ 120 वोट की फास्ट चार्जिंग भी है। दूसरा फोन है दोस्तों पोको X4 GT के नाम से। अब ये फोन थोड़े दिनों पहले चाइना में Redmi 11T के नाम से लॉन्च हुआ है, अब सेम उसी मोबाइल को रीब्रांड करके पोको का स्टिकर चिपका के पोको X4 GT के नाम से इंडिया के मार्केट में उतार देंगे, बाकी कुछ नहीं इसके बाद। अब आता है दोस्तों मच अवेटेड फोन ऑफ 2022, नथिंग फोन ब्रैकेट में 1। शायद 21 जुलाई को इसका लॉन्च इवेंट हो जाएगा शायद, और वो अच्छी खबर ये कि ये फोन स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 पर होने वाला है। अब ये अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि अब 7-1 जन पर जितने मोबाइल्स आते हैं वो मिड रेंज मोबाइल्स आते हैं, अब ये भी एक मिड रेंज मोबाइल ही होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि ये फोन मिड रेंज है। अब आप बोलेंगे कि इसमें खुशी की क्या बात है, लेकिन खुशी की बात ये है अगर ये फ्लैगशिप फोन होता तो इसको इसकी प्राइस भी फ्लैगशिप होती और बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत सारे भाई बंधु इस फोन को हो सकता है कि वीडियो में देखते रहते, लेकिन अब ये मिड रेंज है तो बहुत सारे भाई बंधु इसको अफोर्ड कर पाएंगे और नथिंग के फोन का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। ये थे दोस्तों सारे फोन जो जून के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। आप कौन से फोन के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं और क्या आप कोई नया फोन लेने वाले हैं? अगर आप लेने वाले हैं तो एक बार रुक जाइए, नथिंग फोन के लिए रुक जाइए, आने दीजिए उसको, उसके बाद ही नया फोन लीजिएगा। बाकी दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।